आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। जैसा कि अभी हाल में चुनाव परिणाम की घोषणाएं हुई हैं और जैसा कि कहा जा रहा था, जैसे कि एग्जिट पोल आए थे, 5 राज्यों में बीजेपी सरकार थी और 5 राज्यों में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई। जैसा कि उनके नेता कह रहे थे कि हम दोबारा परचम लहराएंगे, पर कहीं ना कहीं एक जो राज्य है वहाँ पर वो स्थिति ने वो जादू नहीं चल पाया जिसकी उम्मीद करते थे। पर जिस तरह सरकार आई है और जिस तरह से आंकड़े आए हैं तो कई पार्टियों की नींद हराम हो गई है और नींद इस तरह हराम हुई है कि उनके लोग भी अब जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और बता ही नहीं पा रहे वजह क्या रही। भाई, हार अलग है पर हार के भी मायने होते हैं और जीत के भी मायने होते हैं। अगर जीत के मायने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के मायने इसलिए अहम है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर जीत हासिल कर लेते हैं तो केंद्र का चुनाव आसान हो जाता है, उसके लिए मेहनत कम करनी पड़ती है। और अगर भाई हार की बात करें तो हार के भी मायने इस तरह से अलग अलग होते हैं कि अगर हारे भी हैं तो हमारा वोट प्रतिशत बड़ा है, और हारे भी हैं तो हम विपक्ष की भूमिका में आए हैं, और हारे भी हैं तो एक राज्य में तो दूसरे राज्य में जीत गए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ हुआ कि कई राज्यों में गए और यहाँ पर पंजाब में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हार के ही मायने हैं, जीत के ही मायने हैं, पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पार्टियाँ एजेंडा बताएं, पार्टियाँ वादे करें, पार्टियाँ सपने दिखाएं, पर फैसला जनता जनार्दन करती है और जनता जनार्दन का फैसला अडिग होता है। वो फैसला किसके फेवर में करती है, किसके पक्ष में करती है, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है और जनता ने फिर साबित कर दिया है कि हम बादों में आने वाले नहीं है। जिसकी सरकार हमको बनानी है हम उसकी सरकार बनाएंगे, ना हम पेंशन स्कीम पर जाएंगे, ना मुफ्त बिजली पर जाएंगे। जिसकी सरकार को हमें समझ में आएगा, जिसका कार्यकाल हमको बेहतर रहेगा, उसकी सरकार बनाते आएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो आज हमारी चर्चा का विषय है वो है हार या जीत के मायने, कि मायने क्या है, अगर हार हुई है तो कैसी हुई है और उससे नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, और जीते हैं तो उसके मायने क्या है। और इस चर्चा पर हमारे साथ बैठने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से विवेक अग्रवाल, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करें, पहले अगर शुरुआत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करते हैं, जिस तरह से विवेक जी आपने देखा है कि एग्जिट पोल जब आए थे तो तमाम विपक्षियों कहना था कि एग्जिट पोल मॉनिटर्ड है, और बाकायदा लेटर भी जारी हुए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें, कांग्रेस की तरफ से बात करें, कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इनके भ्रमित नहीं होना है, ये एग्जिट पोल मॉनिटर्ड है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये दावे किए गए थे। क्या मानते जब एग्जिट पोल में बदले, जब वो एग्जिट हो गए तो इन सबके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पलट गए? और सबसे बड़ी बात ये है, पार्टियों का जो भी अब तक रहा है, जनता के बीच आए नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं किस तरह हम हारे हैं या अगर हारे हैं तो उसका मायना क्या है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी बात करें तो मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आई, पिछली बार 47 सीटें थी और इस बार 125 सीटें लेके आई, यानी भूमिका, विपक्ष की भूमिका बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या मानते हैं इस जीत के बारे में? देखिए गौरव जी, जीत जीत होती है और जीत बिना जनता के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं होती है, और जनता आशीर्वाद तब देती है जब जनता को आपके दावे पे, आप पे भरोसा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पिछले 7 वर्ष से है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष से है। इस दौरान जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, उसकी डिलीवरी जनता तक पहुंची और जनता को सुशासन का लाभ मिला। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक हमने सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया और उसी अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति ने हमें सत्ता में दोबारा वापस पहुंचाया। तमाम योजनाएं, तमाम स्कीमें जिस पे विपक्ष हमारी खिल्ली उड़ाता था, कभी कहता था कि साहब 20% से ज़्यादा लोग रिफ़िल नहीं करवाते उज्ज्वला योजना में, उसी गरीब ने हमारे को सत्ता का दोबारा उजाला दिखाया। यही
लोग थे जिनको कभी गैस सिलेंडर लेने के लिए सांसद से कूपन लेना पड़ता था, हमने उस गरीब को बुला बुला करके गैस सिलेंडर बांटे। विपक्ष लाख हमारी हंसी उड़ा ले कि साहब 20% से ज़्यादा लोग रिफिल नहीं कराते, लेकिन गरीब ने हमारी पीठ इस बात पर थपथपाई कि आपने गरीब के बारे में सोचा तो सही, दो कदम आप उस गरीब के घर तक गए तो सही, विकास का उजाला उस घर तक आपने पहुंचाया तो सही। इसी तरह गरीबों के घर में हमने विद्युतीकरण का काम किया, गरीबों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया, जो बेघर थे उनको छत देने का काम किया, रिकॉर्ड संख्या में शौचालय बनवाने का काम किया। लाख विपक्षी चिल्लाएं ये सूट बूट की सरकार है, ये ढोंगियों की सरकार है, ये जुमले की सरकार है, लेकिन जो हमने कहा वो करके दिखाया। और उस करके दिखाने का परिणाम ये रहा कि तमाम पार्टियां, यहाँ कोई मुफ्त बिजली दे रही थी, कोई 300 यूनिट फ्री कर रही थी, उनके वादे पे जनता ने भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मालूम है कि यही लोग थे जब पिछली बार सरकार थी तो लखनऊ के रोड शो में बिजली का तार पकड़ के घूम रहे थे। 3 जिले में आती थी पूरे प्रदेश में बिजली उनके शासनकाल में, इटावा में, मैनपुरी में, रामपुर में, कभी कभी कन्नौज में। तो ये स्थितियाँ थी। और हमारे सरकार में पूरे प्रदेश में बिजली आती है, निर्बाध आती है, तो हमारे वादे पे, हमारी डिलीवरी के तरीके पे जनता ने भरोसा जताया। जनता जनार्दन का आशीर्वाद शर्माते पे हम पूरी जिम्मेदारी से जो संकल्प पत्र लाए थे उस संकल्पों के साथ हम अगले 5 साल तक काम करेंगे। और जो हमारे एजेंडे में जो काम जो नहीं हम कर पाए पिछली सरकार में उस पर आगे बढ़ेंगे। और जो हमने करके दिखाया, चाहे केंद्र सरकार के तहत हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 ए हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, चाहे कोसी का कॉरिडोर हो, इस सारे जो हमारे डिलीवरी रही उस पर जनता ने मोहर लगाई है। विवेक जी, एक सवाल पर मेरा रहेगा, पिछली बार 325 आए थे, इस बार 273, क्या मानते हैं कहाँ कमी रह गई? और कई जगह तो क्लीन स्वीप हो गए हैं, एक भी सीट नहीं मिली है, कई जिलों में ऐसे बात कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं वहाँ की कमी रह गई, वहाँ जनता समझ नहीं पाई या समझा नहीं पाए? देखिए, कुछ सीटें ऐसा होती है जो समीकरणों के तहत फंस जाती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कहीं हम हारेंगे कहीं जीतेंगे, इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है। आपने उत्तराखंड में देखा, वहाँ हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, मुख्यमंत्री की सीट हमारी चली गई, तो ऐसा नहीं है, इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है। और इसी लोकतंत्र की इसी प्रक्रिया में हम शामिल होते हैं और इसी से हम निकल के आते हैं। तो जहाँ हमें जनता ने विश्वास दिया वहाँ हम जीत के आए, जहाँ हमारे काम में, जहाँ हमारे मेहनत में थोड़ी कमी रही वहाँ जनता ने, तो मानते हैं कि जहाँ सीटें कम हुई हैं, जो 325 से आंकड़ा 273 प्लस पे पहुँचा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। बिल्कुल। क्या मानते हैं क्या कमी रह गई होगी आपके हिसाब से? बिल्कुल, जहाँ पे सीटें हमारी नहीं निकली, चाहे वहाँ हमारे संगठन के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे प्रत्याशियों के द्वारा, कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रही कि हम अपनी बात, हम अपना गुड गवर्नेंस की डिलीवरी जनता के अंतिम पायदान तक, खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। अगर हम वहां तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते तो हमें वहां से भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता। पहले कहा जा रहा था कि हम लोग 300 प्लस आ रहे हैं, फिर 350 प्लस हुआ, उसके कहा गया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या मानते 273 का आंकड़ा आप लोगों ने भी इसको अनुमानित किया था 270 पहुँचेंगे? देखिए गौरव जी, हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से 300 प्लस का लक्ष्य दिया गया था जी, और हमारे सारे कार्यकर्ता उस 300 पार के लक्ष्य पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हमें एग्जिट पोल आने के बावजूद भी उम्मीद थी, सवेरे मतगणना शुरू होने तक भी उम्मीद थी कि हम धीरे धीरे अपने उस 300 पार के लक्ष्य तक पहुँचेंगे, लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद शर्मा थे, जनता ने हमको उससे 26 कदम पहले रोक दिया। वो भी उसमें भी हम खुश हैं, जहाँ हमसे कमियाँ हुई, जहाँ हम न निकल सके, उन सीटों की हम चिंतन मनन में लगे हुए हैं, कमियाँ कहाँ रही उन कमियों को दूर करके हम वहाँ दोबारा मेहनत करेंगे। चलिए फिर लेते हैं आपको, इमरान जी क्या मानते हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, बड़ी मेहनत की गई, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी यहाँ पर आए थे, संजय सिंह ने बहुत मेहनत की और लगातार जनाधार बढ़ाया पार्टी का, वही जनाधार जो जब पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी किया था, उसमें आपको लोगों को सफलता मिली थी, पर विधानसभा चुनाव में जो उम्मीद कर रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे और दिल्ली फॉर्मूला आपने यहाँ पर लागू करने की बात की थी, एजेंडा कहा था,
और अगर हम मुफ्त बिजली देने की बात करें, सबसे पहले हमारी पार्टी ने ही इसकी बात की थी, बाद में अन्य दलों ने उसका जो फॉलो किया है उसको कहा था, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे पहले बिजली के लिए, मुफ्त बिजली के लिए बात की गई थी, वो उसी फॉर्मूले को यहाँ जमा रहे थे। वो कहा था कि निश्चित रूप से समाज जनता समझेगी और हम सरकार में आएंगे, पर यहाँ पर हालत बिल्कुल पलट हो गई। क्या मानते हैं, कहाँ कमियाँ रह गई, क्या नेतृत्व में कहीं ना कहीं कुछ फैसले गलत लिए या प्रत्याशी चयन में गलती हुई? क्योंकि प्रत्याशी की बात करें तो लगातार संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सबसे अच्छे प्रत्याशी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, शरीफ, बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी हमने उतारे हैं। तो क्या मानते हैं, जनता जनार्दन को इस तरह के प्रत्याशी पसंद नहीं आए? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है गौरव जी, वो माहौल के हिसाब से होता है। जिस तरह का माहौल बनता है उस हिसाब से जनता अपना फैसला लेती है। इस बार जो मतदाता थे, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ा और मैं जनता के बीच में रहा ग्रामीण क्षेत्रों में, मतदाताओं का दो तरह के मतदाताओं से मुलाकात हुई। एक लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे और एक लोग जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते थे। इसके अलावा जो मतदाताओं की कोई श्रेणी नहीं थी, कोई वर्गीकरण नहीं था, तो इलेक्शन पूरा इसी तरीके से हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण भी हुआ वोटों का। किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा इस चुनाव के अंदर। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट दिया, जो हराना चाहते थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और कुल मिलाकर फैसला सामने आया कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते थे। समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा के बीच में हुआ, बिल्कुल एक वेव बनी, दो तरह की वेव बनी, एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी, एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनी, और उस वेव के बीच में किसी तीसरी पार्टी के लिए कहीं से कोई स्थान नहीं बचा, जगह नहीं बची। लेकिन जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी कई कई मामलों में सैद्धांतिक रूप से चुनाव में जीती हुई है। हमने इस बार कम से कम, जहां कभी बिजली की बात नहीं होती थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तमाम चुनावों को आपने कवर किया होगा, आपने देखा होगा, कभी फ्री बिजली की बात नहीं हुई, बिजली के बकाए माफी की बात नहीं हुई, अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों पर बात नहीं हुई, और ये माना जाता था कि इन सारे मुद्दों पर चुनाव हो ही नहीं सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पदार्पण के बाद कम से कम ऐसा हुआ कि आज लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। फ्री बिजली देने की बात हुई, बिजली का बकाया बिल माफ करने की बात हुई, अच्छे स्कूलों की बात हुई, अच्छे अस्पतालों की बात हुई। तो ये आम आदमी पार्टी की वैचारिक और सैद्धांतिक जीत है, जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो सिर्फ जातिवादी बंधनों में जकड़ी रहती थी, जो सिर्फ नफरत के नाम पर होती थी, धर्म के नाम पर होती थी, जात के नाम पर होती थी, पैसे से होती थी, दारू से होती थी, बाहुबल से होती थी, वहां कहीं ना कहीं इस बार मुद्दों ने भी अपनी जगह बनाई है, और इसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। और दूसरी बात, जो पंजाब के अंदर हमने जो परफॉर्मेंस दी है, गोवा के अंदर जो परफॉर्मेंस हमने दी है, उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरह से वोट हमको मिले हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देखना शुरू कर चुके हैं। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनाई है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी साफ होती जा रही है के बाद एक राज्यों से, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपना जो कदम है वो बढ़ाती जा रही है, अपना कद बढ़ाती जा रही है। तो बिल्कुल ये बात अब जनता के, जनार्दन के बीच में हो रही है कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी में सामर्थ्य नहीं बन, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर या किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है आने वाले भविष्य में, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी जुड़े हैं। मनीष जी, क्या मानते हैं, अब इमरान लतीफ जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा में लड़े हैं, उत्तराखंड में भी इनको ठीक ठाक वोट बैंक मिला है, तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प रूप में सामने आ रही है और जनता की पसंद बन रही है। जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाली केवल एक पार्टी रहेगी, वो रहेगी आम आदमी पार्टी। क्या मानते हैं इसको? देखिए, इसका जो एक संदेश है वो इसी साल के अंत तक आ जाएगा। गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और आम आदमी जिस तरह से अभी दावा कर रही है कि उसने गोवा में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उत्तराखंड में परफॉर्मेंस दिया, भले ही जीत ना हासिल हुई हो, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसने जो एक नरेटिव सेट किया केजरीवाल मॉडल, उसके आधार पर, मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव हुआ, तो ये फैसला इस बार ही हो जाएगा जब गुजरात के चुनाव होंगे। वहां पर कांग्रेस, जो भाजपा का मेन जो विरोधी दल है वो कांग्रेस है, और आज देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए और प्रधानमंत्री मोदी आज ही वहां पर बहुत बड़ा उन्होंने रोड शो किया और जो उनकी लोकप्रियता देखने को मिली चारों ओर, मतलब वो जा रहे थे गाड़ी से अपना रोड शो, जो अप्रत्याशित था, कोई प्लानिंग नहीं थी, रोड शो शुरू हो गया, तो उसके बाद में उनकी लोकप्रियता वहां पर बनी हुई है। और केजरीवाल मॉडल का असली जो परीक्षा है कि क्या ये कांग्रेस को रिप्लेस कर सकता है, तो गुजरात में वहां पर तय होगा।
पंजाब की जीत एक अभूतपूर्व जीत है, लेकिन आप ये सोचिए पंजाब की जनता ने पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो यहाँ का जो एक परंपरागत एक राजनीति थी कि कांग्रेस आएगी या वो श्रोमणी अकाली दल आएगा, तो उस तरह की राजनीति को खत्म कर दिया। तो क्या ये पूरे देश में हो सकता है? और ये निश्चित रूप से आप ये समझिए 2024 में अगर 2022 में हुआ है कहीं भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, तो उसके बाद में निश्चित रूप से आप एक नेशनल लेवल पे दावा ठोकेगी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार क्या हुआ, इस बार ईवीएम को लेके किसी ने चर्चा नहीं की, ना बाद में चुनाव के जब परिणाम आए किसी ने दोष दिया। बिल्कुल, वो जो अपने अखिलेश यादव हैं उन्होंने साफ कहा कि मैं जो हूं अब विकल्प हूं, लोग मानने लगे हैं कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव। तो इस तरह की दावे जो क्षेत्रीय दल है वो लगातार करते रहेंगे, ये कांग्रेस के लिए अपने आप में खतरे की घंटी है कि 6% वोट मिल रहा है उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो किस तरह से वो नेशनल पार्टी रह पाएगी। रालोड से भी कम वोट बैंक है कांग्रेस का इस बार। तो मनीष जी एक चीज और जरूर रहेगी, क्या मानते हैं जिस तरह से जीत पंजाब में हुई हमारी पार्टी की कि विकल्प रूप में शाम आई है, अच्छी खासी सीटें मिली हैं और प्रचंड बहुमत मिला है, तो क्या मानते हैं किसान आंदोलन के चलते ऐसा हुआ है कि भाजपा को भी, खैर भाजपा तो वहां पर कभी सक्रिय पार्टी रही नहीं, श्रोमणी अकाली दल के साथ सरकार बनाई थी, और जिस तरह से कांग्रेस वहां अभी हाल में सरकार थी, सिद्धू प्रकरण हुआ, अमरिंदर सिंह हटाए गए, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी बने और माना जा रहा था कि दोबारा सरकार कांग्रेस बनाएगी, पर यहाँ पर सारे कयासों को दरकिनार करते हुए हमारी पार्टी सरकार बनाई, क्या मानते कौन सा ऐसा तबका रहा जो नाराज रहा, और जिस तरह से भाई किसी प्रधान राज्य है अच्छी बड़ी संख्या में कृषि होती वहाँ पर, किस तरह किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा, क्या मानते हैं आपके हिसाब से हमारी पार्टी को लोगों ने क्यों चुना? देखिए आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो 2017 की पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। मालवा में उस समय बिल्कुल आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी, लेकिन वो लहर इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरे पंजाब में फैल जाए। आप ये समझिए कि कांग्रेस और शिरोमणि ये परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। भाजपा कभी पंजाब में रही नहीं, वो हमेशा शिरोमणि की पिछलग्गू दल रहा, दो सीटें तीन सीटें उसे गठबंधन के दौर में भी मिलती थी, तो इस बार तो बल्कि उसका वोट बैंक जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछले मुकाबलों में, तो भाजपा अपने आप में एक भविष्य देख रही है पंजाब में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वहां की परंपरागत राजनीति थी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उसको, आपने 2017 में सेट किया और इस बार उस चीज को केजरीवाल जी ने कहा कि हम आपको नेतृत्व देने जा रहे हैं, वो यहीं की माटी का है, भगवंत मान का आपने जो चेहरा दिया उस पर लोगों को विश्वास हुआ कि ये बाहरी लोग नहीं लेके आएंगे, ये यही की राजनीति करेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप ये देखिए आम आदमी पार्टी की राजनीति कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति की तरह ही होती है कि वो हमेशा एक नरेटिव सेट करने का काम करते हैं, वो एक अपना मॉडल बताते हैं कि हमारा ये मॉडल है, हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, और वो डिलीवरी की बात करते हैं लगातार। चाहे केजरीवाल ने दिल्ली में बात की हो कि यहाँ पर हम 50% अधिकार मिले फिर भी हमने 100% दिया, आज भगवंत मान ने उसी चीज को आगे बढ़ाया कि 100% तो हम 200% देंगे, और जिस तरह से उन्होंने एक सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स शुरू की है कि वो जा रहे हैं वो शहीद आजम भगत सिंह के गांव में जा रहे हैं भट्टरकला में, वहां पर जाकर अब शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, तो अपने आप में संदेश देने वाली जो बात होती है। राजनीति में पूरे पैकेज का काम जो होता है वही आज के दौर में चल रहा है, नए आइडियाज हो, नई डिलीवरी हो, आप जनता को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं, तो सारी चीजें अपने आप में एक संदेश देती है, तो उसमें आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दलों को पीछे छोड़ रही है, जो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया। मनीष जी क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वहाँ मेहनत ही नहीं की, उनको पता था कि वहाँ पर वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे, या कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जितनी कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई, जितनी कोशिश उत्तराखंड में की गई, उतनी कोशिश पंजाब में नहीं की गई, पहले से जानकारी थी, पहले से अंदाज लगा लिए थे? देखिए जी पंजाब में आप ये देखिए बहुत बड़ा एक नरेटिव सेट किया गया, बीजेपी को वहां पर पैर भी नहीं रखने दिया जाएगा। किसान आंदोलन के बाद में ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि वहां पर बीजेपी का जो विधायक था उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको निकलने नहीं दिया गया। जब चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल गए, बीजेपी जो नंबर वन पार्टी थी वो पीछे हो गई। तो ये अपने आप में जिस तरह का एक माहौल बन रहा था उसमें लग रहा था कि बीजेपी कहीं फाइट में ही नहीं है, और बाकायदे प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर हम बहुत ही छोटी पार्टी है और हम अपना भविष्य देख, तो बीजेपी शुरू से जैसा आप कह रहे हैं कि मान के चल रही थी कि वहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो कुछ भी है वो पाना ही है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मानते हैं? बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और खास तौर पे अब जब आम आदमी पार्टी आ गई है वो तो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती है जी। वो तो आप बिल्कुल केजरीवाल की स्टाइल ही आम आदमी पार्टी वाली है, आम आदमी की तरह है, वो कहे लो जी प्रधानमंत्री जी तो हमें ये बोल रहे थे, उससे कैसे आप वो करेंगे। विवेक जी क्या मानते हैं कि
जिस तरह से आपने चार राज्यों में परचम पहले था और फिर परचम ले रहा है, पर पंजाब में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। देखिए गौरव जी, पंजाब में हम जैसा मनीष जी बता रहे थे, कभी वहाँ मुख्य पार्टी नहीं रहे, हमेशा अकाली दल के साथ में ही हमारी सरकार बनी, उनके साथ हम सरकार में शामिल रहे। हमारे साथ जब सिद्धू थे तो उनका बहुत दबाव था कि हम अकाली दल से गठबंधन तोड़ लें और अलग चुनाव लड़ें, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सिद्धू जी इस्तीफा देकर के चले गए और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गठबंधन धर्म का पालन करती रही। आगे चल के किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से अकाली दल का हमारा साथ टूटा, बसपा से जुड़े, वो बसपा से जुड़ गए और हमको अकेला वहाँ छोड़ गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियाँ भी हैं, अवसर भी है, और हम इन चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं। हम अपने संगठन को इस समय पंजाब में मजबूत करने पे लगे हैं। नहीं, मेरा कहना यहाँ पर यह है कि उत्तर पूर्व में भी आप लगातार रहे, मणिपुर गोवा में भी बड़ी मेहनत की गई, रैलियाँ की गई, लगातार गृह मंत्री वहाँ सभाएं करते रहे, तो वहाँ उन राज्यों पर फोकस किया गया, पर पंजाब पर फोकस क्यों नहीं किया गया, उतनी मेहनत क्यों नहीं की? वहाँ पर हमारी पहले से सरकारें थी गौरव जी, जी वहाँ पर सरकार थी, संगठन था, सब कुछ था। यहाँ पंजाब में हम कभी सरकार में फुल फ्लेश नहीं रहे, हमेशा जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, अब अकाली दल के साथ ही में रहे, और यहाँ पे हमारा संगठन भी उस स्थिति में नहीं था कि हम पूरे पंजाब में एक चुनौती दे पाएँ। आपने देखा होगा कि हमको अमरिंदर सिंह को से गठबंधन करना पड़ा, तो ये सब सारी स्थितियाँ थी। ऐसे में अब हमारे पास जो चुनौती हमको मिली है वो अवसर भी हमारे लिए है। हम पंजाब में भी संगठन को मजबूत करेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका इधर भी निभाएंगे और आगे चल के हम वहाँ सरकार भी बनाएंगे। इमरान जी, मनीष शुक्ला जी ने कहा है कि आप क्या विकल्प साबित होंगे, कैसे साबित होंगे, ये हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का चुनाव तय करेगा। क्या मानते हैं, क्या तैयारियाँ की हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव? देखिए, गुजरात में तो हमने शुरुआत कर दी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे सूरत के अंदर, जो हमारी परफॉर्मेंस रही वहाँ से हमने श्री गणेश कर दिया है, और गुजरात में गजब का रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से निश्चित रूप से, जो कि प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में उनकी लोकप्रियता तो होगी ही होगी। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का अवसान शुरू हो चुका है पूरे देश के अंदर, और इस बार गुजरात में भी उनकी तिशरी हो जाएगी। वहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आएगी, और मजबूत तरीके से तैयारियाँ हमारी हैं, वहाँ का संगठन हमारा काफ़ी मजबूत हो गया है, लोग दिन रात जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। और ये एक जो पंजाब का रिजल्ट आया है उसने एक उम्मीद दी है पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की मजबूती के लिए अब प्रयास होंगे, संगठन बनाया जाएगा। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की रही, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये चुनाव जो था हमारा, ये पहले से ही था कि हम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, एक मजबूत उपस्थिति हमने दर्ज कराई है, हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, सभी सीटों पर हमने मजबूत और अच्छे प्रत्याशी दिए हैं। लेकिन जो भी, जैसे मैंने कहा कि माहौल की वजह से उस तरह के अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ पाए, लेकिन कुल मिलाकर अब पिछले 2 साल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यवहारिक, सकारात्मक और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी। अब हम और मजबूती से आने वाले 5 साल तक यहाँ लड़ते रहेंगे, और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि 2027 में आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव नहीं हरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी नहीं हरा सकती, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती। तो अगर हराने की क्षमता किसी के अंदर है, हराने का सामर्थ्य किसी के अंदर है, सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है, मुद्दों पर अगर कोई लड़ सकता है, तो वो इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की उम्मीद भी आम आदमी पार्टी, और 2027 में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बड़ा कमाल करेगी। आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, पर पहले लगातार देखा जाता कि संजय सिंह लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो रही थी, कहा गया शिष्टाचार मुलाकात हो रही, और फिर बाद में कहा गया कि सीटों पर सहमति नहीं बनी इसलिए साथ में नहीं गए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी जनता को गया है कि पहले जुड़ के आ रहे थे, उसके बाद फिर अलग हो गए, तो एक संदेश स्पष्ट रूप से गया है कि अगर स्वतंत्र रूप से पहले लड़ते या इस तरह की शिष्टाचार मुलाकातें ना होती तो शायद एक विकल्प रूप में सामने आ सकते थे। देखिए, बिल्कुल कभी हमने ये बात नहीं कही कि हम किसी प्रकार के गठबंधन में जा रहे हैं, हमेशा जब हमसे पूछा गया तो हमने इस बात से इनकार ही किया कि बिल्कुल हम ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए अगर कोई सैद्धांतिक सहमति बनती तो उस पर आगे बढ़ा जाता, लेकिन कभी उस दिशा में कोई कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से एक लगाव जरूर रहा है। इमरान जी, अभी हाल में ही संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी तो हमको समर्थन दे देंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए
हमको जो भी कदम उठाना पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, वो उठाने के लिए हम तैयार थे। हम आज भी वो बात कह रहे हैं, लेकिन आज ये जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। क्योंकि जितना समर्थन जनता दे सकती थी, जितनी ताकत जनता लगा सकती थी, इस बार जनता ने समाजवादी पार्टी के साथ लगाया, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नेग्लेक्ट किया। बहुजन समाज पार्टी जिसकी चार चार बार सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी जिसका सूरज नहीं डूबता था उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सभी पार्टियों को किनारे लगाने का काम उत्तर प्रदेश जनता ने किया, फिर भी अखिलेश यादव जी जीत नहीं पाए, फिर भी सरकार नहीं बना पाए। तो अब ये जनता अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि इनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, इनके अंदर ये ताकत नहीं है, इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, तो वो इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी, इकलौता नेता अरविंद केजरीवाल। मनीष शुक्ला जी पूछ रहे, मनीष जी क्या मानते, कैसे इस्तेमाल रखते हैं इमरान लतीफ जी के बयान से? उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ही भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराती नजर आएगी, क्या मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के उदय से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं सफाया हो सकता है, और जो क्षेत्रीय राजनीति है, क्षेत्रीय गठबंधन जो है, अगर आम आदमी मजबूत होती है तो अगर ये सारे ममता बनर्जी केजरीवाल ये अगर इनकी मान लीजिए प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा खत्म हो जाए तो भाजपा को मिलकर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अलग अलग बहुत ही विचार हैं, अलग अलग दल हैं, सबकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पकड़ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक 2024 का रास्ता आसानी होगा। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो बीजेपी का रास्ता और आसान होगा। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अगर बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की राय आसान कर रही है। पंजाब में राय आसान हो गई है, उत्तराखंड में राय आसान हुई है, गोवा में राय आसान हुई है। पर यह बताइए कि जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी को अभी 125 सीटें मिली है, मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आई है, कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ा है, और माना जा रहा था कि जो परंपरागत वोट बैंक है MBI फैक्टर इनको जो रहा है उसके वोट तो मिले हैं, पर कहीं ना कहीं OBC और ST कास्ट के जो वोट बैंक रहा है वो इनकी तरफ ना जाके बीजेपी कन्वर्ट हुआ है। क्या महत्वपूर्ण कारण मानते इस बात का? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो परंपरागत वोट बैंक था, जो नेताजी का वोट बैंक था, वो एक बार फिर एकमुश्त आके गिरा। यादव 83% जो है वो बीजेपी के खिलाफ गया, उसी तरह से मुसलमान वोट बैंक भी बीजेपी के खिलाफ गया। तो दोनों वोट बैंक जो है, जो परंपरागत था, जो कार्डर था इनका, वो कहीं नहीं गया और लौट के वापस आया, जो इधर उधर छिटक जाता था। इस बार बसपा को मुस्लिम वोट नहीं मिला, जैसा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, वहां से बिल्कुल खाली हो गई। 10% का नुकसान उनको उठाना पड़ा, जो उनके परंपरागत वोट बैंक था वो पूरी सेंध लगा दी सपा ने। तो इसका नुकसान सपा ने कांग्रेस को दिया, सपा ने बसपा को दिया, लेकिन यहाँ पर उतना वोट बैंक अभी जो आप जैसा कह रहे हैं ST या अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं उसमें कुर्मी है, पटेल है, और भी जो जातियां हैं, तो वो जो है वो कहीं भी सपा के साथ जुड़ती हुई नजर नहीं आई। वरना स्वामी प्रसाद मौर्य की कहीं भी हार ना होती। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से अखिलेश यादव बहुत बड़ा प्रसन्न थे, उनको लग रहा था देखिए अब आ गए हैं, अब जो है पिछड़ी जातियां पूरी तरह से हमारे पास में आएंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वहां पूर्वांचल में जिस तरह की एक फाइट चल रही थी और लग रहा था इस बार सपा जो है वो आगे निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। अंत में जो भाजपा का जो डिलीवरी सिस्टम था, जो मुफ्त राशन था कोरोना काल में, जो एक तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया जनता तक, जो पैड बनाई सरकार ने, योगी जी ने जिले जिले में दौरे किए, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और महिलाएं, सबसे बड़ी चीज ये है, जो महिला लाभार्थी थी, पुरुष कहीं भी जा रहे हो लेकिन महिलाओं की एक सुर में आवाज थी कि वो भाजपा को वोट दे रही है। आप चाहे सैनी समाज हो, आज जो सैनी जी ने कहा कि सैनी समाज ने उनका साथ नहीं दिया इसलिए वो हार गए, तो अब लोगों की प्रतिक्रिया निकल के बाहर आ रही है। और ये जो वोट बैंक है, जो जाति फैक्टर था, जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जातियों में बटा हुआ एक राज्य है, वो पहली बार जाति बंधन यहाँ पे टूट गया, और ये अपने आप में एक शुभ संकेत भी है। जी, मनीष जी, मेरा कहना है, जो जिस तरह से 325 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 273 सीटें आई हैं, कम हुई हैं सीटें, क्या मानते हैं कमी कहाँ रहेगी? बीजेपी जी बोल रहा है कि जनता जनार्दन है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, हम लोग जनता के बीच नहीं जा पाए, या प्रत्याशी कुछ जगह गलत साबित हो गए, या वो जनता नहीं उनकी पहुँच रही, क्या कारण मानते इस बात को? सही, बिल्कुल ये बात सही है कि वो जो परफॉर्मेंस था 2017 वाला, वो तो बिल्कुल चमत्कारिक सफलता थी, उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए कि 2022 में जो बीजेपी ने सफलता हासिल की है, वो पिछले 30 सालों से ज्यादा, यानी 37 साल हो गए, किसी ने सरकार अपनी रिपीट की ही नहीं, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। बीजेपी वालों से भी बात होती थी तो वो बोलते थे सरकार तो आ जाएगी, 210, 215, 220, 10-20 इधर उधर चलेगी, लेकिन कोई
बीजेपी वाला भी नहीं मानने को तैयार था कि 250 क्रॉस कर जाएंगे। जी तो अपने आप में बड़ा जो एक सफलता है, और जो पिछले अगर पिछले चुनाव के मुकाबले हम तुलना करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वो नुकसान भी यहाँ पर एक उम्मीद से भरा नुकसान है। यहाँ पे लग रहा है कि जनता की जो पसंद थी वो भाजपा ही थी, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, और योगी के खिलाफ जो चलाया गया माहौल चलाया गया कि प्रधानमंत्री और योगी जी में एक विरोधाभास है या मतभेद है, तो उस तरह के जितने भी एक नरेटिव सेट किए गए थे वो नरेटिव फेल हुए और मोदी योगी के नाम पे वोट मिला। इसीलिए भाजपा के कई प्रत्याशी ऐसे रहे जो हार गए चुनाव जी। आप देखिए जो डिप्टी सीएम थे वो हार गए, और भी बड़े बड़े दिक्कत 11 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के जो प्रत्याशी थे वो हार गए, तो जनता उनसे नाखुश थी। लेकिन योगी मोदी के नाम पर मोहर लगना इसका मतलब कि दोनों की लहर बरकरार थी, उनकी विश्वसनीयता बरकरार। केशव प्रसाद मौर्य से नाराज थी, सिराटी सीट से हार गए, क्या मानते हैं? पल्लवी पटेल से बड़ी करीबी अंतर से हारे हैं मनीष जी। जी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहे, सिराटू से हार गए, पल्ले पटेल ने उनको हरा दिया, क्या मानते हैं क्या हार के क्या कारण रहे? क्यों लगातार देर में केशव प्रसाद जी 2012 के बाद में केशव प्रसाद मौर्य का एक बहुत बड़ा उदय हुआ राजनीति में। उन्होंने जिस तेजी से मतलब छलांग लगाई, जिस तेजी रफ्तार से आगे बढ़े, वो प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर सांसद बने, उसके बाद में 2017 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी। इस बार ये लग रहा था वो क्लीन स्वीप करेंगे, और आप शुरुआत में देखें तो पल्लवी पटेल जो है वो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छुक भी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वहां से चुनाव लड़ने का मतलब है कि बिल्कुल आत्मघाती निर्णय लेना, वहां पे हारना, लेकिन वहां की जनता का कुछ और ही फैसला था। जहां से सिराथू से वो चुनाव लड़े थे 2012 में, विधायक का पहली बार चुनाव लड़े थे, वहां पर कहीं ना कहीं अंडरकरंट लगा चल रहा था, जिसको समझने में खुद उप मुख्यमंत्री नहीं मतलब उसमें वो नहीं कर पाए कि उनको पता ही नहीं चला कि किस तरह से जनभावना क्या है। अगर ऐसा होता तो लगातार लोगों से बातचीत करते, उनके जैसे माफी मांगते, प्रधानमंत्री जी ने भी किसान आंदोलन माफी मांग ली, कुछ भी कर लिया। तो मतदाता अगर नाराज है, रुष्ट है, तो उसका अगर क्षेत्रीय विधायक को पता नहीं है या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को पता नहीं, तो अपने आप में चिंता की बात थी। और अखिलेश यादव ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर वहां पर पल्लवी पटेल को लड़ाया, उनको कहा कि आप जाइए वहां से जीतेंगी, और उसके बाद में पूरी ताकत झोंक दी वहां पर। आप देखिए वहां पर डिंपल यादव गई, अखिलेश यादव गए, जया बच्चन गई, उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, ये बेटी है, आपको इसको जिताना है, तो इस तरह के पूरी ताकत झोंकी, वो भी एक बहुत बड़ा असर दिखा। और चुनाव में नैरेटिव सेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। केशव प्रसाद जी उसमें हो सकता है नाकाम रहे हो, हालांकि बहुत बड़े नेता है वो, पिछले वर्ग के नेता है, भाजपा के बड़े नेता है, तो एक हार से कोई उनका भविष्य नहीं तय होना है। जी जी। लेकिन ये बात जरूर है कि फिलहाल उनको नुकसान उठाना है। पॉलिटिकल इनपुट थे अखिलेश यादव को, पॉलिटिकल इनपुट जानकारी, तभी उन्होंने पल्ले पटेल को उतारा। निश्चित रूप से आत्मघाती फैसला था, पर वहां पर जीत गई है, क्या मानते हैं विवेक जी, कहीं चूक रही? देखिए केशव जी वहां से 2012 में विधायक रहे और फिर वो फूलपुर से सांसद हुए, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं कोई कमी तो रह गई भी, तो हम लोग के लिए चिंतन का विषय है, बड़ा नाम है केशव जी क्यों हारे। और जबकि जितना डेवलपमेंट इलाहाबाद कौशाम्बी में उनके काल में हुआ वो ऐतिहासिक था, इतना विकास करने के बाद और इतने बड़े वोट भी अच्छी संख्या में पाए हैं केशव जी, बहुत मामूली अंतर से हारे हैं, फिर भी हार तो हार होती, चाहे एक वोट से हो चाहे 10 वोट से हो, और उस हार को लोकतंत्र की परंपरा है सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने भी स्वीकार किया अपने हार को। लेकिन ये कार्यकर्ताओं को इस बात का हमेशा से मलाल है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो गई, इससे हम केशव जी को विधानसभा में यहाँ से नहीं भेज पाए। मनीष जी कहना है कि पॉलिटिकल इनपुट थे, जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पर एक विपरीत लहर चल रही है, इसे अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को उठारा और वहाँ जीत गई, और कई बड़े नाम वहाँ पर रैली करने गए, तो कहीं ना कहीं ये भी माना सकता है विवेक जी कि कहीं चूक रह गई या अति विश्वास रहा कि हम बिल्कुल जीत जाएंगे, डिप्टी सीएम है कोई बड़ी बात नहीं है, उनका गृह जनपद है तो जीतने की पूरी उम्मीद है, इसी वहाँ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया या रैलियाँ कम की गई या बड़े नाम नहीं उतारे गए, क्या मानते हैं? नहीं देखिए गौरव जी, डिप्टी सीएम थे, सब लोग लगे भी थे, ऐसा नहीं है कि उस वहाँ मेहनत नहीं हुई, कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी किया, मैं कार्यकर्ताओं के उस परिश्रम को नकार नहीं सकता, परंतु कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई ऐसी जिससे हम विजय लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते कुछ कदमों से पीछे रह गए, अन्यथा हमें वहाँ विजय प्राप्त होती।
कई सीटें वहाँ पास की अगर हम बात करें, जो कि सिराथू के पास है, कौशाम्बी के पास है, अगर नदी पार करते हैं तो एक जो विधानसभा है मऊ मानिकपुर, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना दल के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी वो जीत कर आए हैं। तो अगर विकास की बात होती है, वो भी लगातार मेहनत कर रहे थे, उनकी भी अपनी विचारधारा थी, लाभ पर रैली भी हुई है और बड़ी रैली के माध्यम से वो जीते हैं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं। पर ये बताइए कि किस तरह से बिल्कुल बगल में होने के बावजूद तो कहीं ना कहीं इसको चूक मानते हैं कि पॉलिटिकल इनपुट्स जो रहे उस पर ध्यान नहीं दिए गए, इसके खामियाजा भुगता है। और एक बड़ा नाम जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। जी कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही है, भी उसका चिंतन करने के बाद ही हम लोग आपस में बैठ करके इसका आत्मचिंतन करेंगे। और ये सबको खल रहा है कि केशव जी इस हार में, इस विजय में केशव जी शामिल होते तो बड़ा अच्छा होता, केशव जी नहीं जीत पाए, इसका सबको दुख है। कई और बड़े नाम हैं जो कि इस सरकार में मंत्री थे, वो भी हारे हैं। तो क्या मानते हैं, जनता ने योजनाएं पसंद नहीं आई, या नीति पसंद नहीं आई, या उनका नाम पसंद नहीं आया, नहीं। या उनको सीट बढ़ी जा सकती थी? देखिए कहीं ना कहीं ये है कि उनके क्षेत्र में उनकी जनता तक हमारे कार्यों की डिलीवरी उस अनुपात में नहीं पहुंची जिस अनुपात में हम 274 सीटों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और वहाँ पर हमको जनता जनार्दन का आशीर्वाद उस मात्रा में नहीं मिला, जिसके कारण से हम विजय के लक्ष्य से कुछ कदम पहले हमें हार स्वीकार करनी पड़ी। तो क्या मानते हैं आपकी जीत हुई है, उस जीत का असली आधार क्या रहा है, क्या कारण रहा है? देखिए एक किसी कारण को बता पाना संभव नहीं है, बड़ी जीत है, बड़ा प्रदेश है। सबसे पहला तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, जो चमत्कारिक नेतृत्व है, जो उनका आभा मंडल है, और जो उनके नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के कार्य हैं और जिस कार्य की डिलीवरी उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंची है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई गई, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। मैंने कुछ युवा महिलाओं को ये कहते सुना कि साहब हम तो मोदी योगी को वोट देंगे चूँकि सुरक्षा का माहौल है। तो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की अराजकता लोगों के दिमाग में रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सुरक्षा का माहौल रहा, जो आतंक के विरुद्ध जो हमने कार्रवाई की, जो अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की, जो हमारे थानों में लोग छाती पे तख्ती लगा करके सरेंडर करते देखे गए, वो दृश्य कहीं ना कहीं जनता के मानस पटल पे अंकित थे। कहीं ना कहीं बाबा की बुलडोजर वाली इमेज लोगों को लगा कि साहब ये तो बड़े बड़े अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, बाबा रहेंगे तो कानून का राज रहेगा। बहुत सी योजनाएं जो जनता तक पहुंची। पर कल शिवसेना नेता और पूर्व सहयोगी दल आपके रहे हैं शिवसेना, और उसके एक राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उन्होंने बड़ा बयान दिया था, ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी और AIMM यानी आपकी OBC की पार्टी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनको भारत रत्न और देना चाहिए। क्या मानते हैं इस तरह के बयानबाजी पर कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी जिताया है, बहुजन समाज पार्टी की उनकी बी टीम है, OBC की जो पार्टी उनकी बी टीम है, उसी के माध्यम से सरकार में आए हैं? देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी दल को चुनाव लड़ने से आप रोक नहीं सकते। जिसको भी चुनाव आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिया है तो पार्टी के झंडे तहत लड़ेगा, जिसको नहीं दिया वो निर्दल लड़ेगा, यही लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में आप किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। अगर संजय राउत जी ऐसा समझते हैं तो उनकी लोकतांत्रिक समझ पे प्रश्न लगाता है। बाकी सब लड़ेंगे, उसमें से जनता का आशीर्वाद किसी विशेष को मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो विजय तक पहुँचेगा। तो इस पर कोई टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। तो आप मानते हैं कि उनका बयान उनका निजी है, कोई उनका जो राजनीतिक समझ है कम है? मनीष जी क्या मानते हैं, जो संजय राउत कल बयान दिए थे, बड़ा बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि बसपा और जो OBC की पार्टी है असदुद्दीन OBC, उनकी पार्टी कारण ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उन्होंने खुद ऐसे कैंडिडेट उतारे जिसके कारण वोटों का विभाजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल बयान हो गया उनका जी। आप ये देखिए ममता बनर्जी ने भी कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी से सपने देखना बंद कर दें 2024 के,
उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम की सुरक्षा नहीं हो पाई, इस वजह से जीती भाजपा। तो कोई विपक्ष है भाई, किसी भी तरह के आरोप लगाते हैं ये लोग, तो ठीक है, इनकी अपनी एक विवेक है, अपनी सोच है कि किस तरह से ये राजनीति को करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ओवैसी फैक्टर कहीं भी काम नहीं किया यहाँ पर। आप नोटा से कम अगर वोट ले रहे हैं तो इसका मतलब आप एक निर्दलीय से ज्यादा, मतलब और निर्दलीय से भी कम आपकी हैसियत रह गई है। और मुस्लिम बिल्कुल भी, मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। पूरा पूरा वोट जो है वो सपा को गया है, यहां तक कि बसपा को भी नहीं गया है। बसपा का जो अपना वोट था वो छितर बितर हो गया, बसपा का वोट 10% कम हुआ और वो भाजपा में गया, कुछ परसेंट सपा में भी गया होगा, निश्चित रूप से गया होगा। तो इस तरह की राजनीतिक रूप से बातें करना वो अपने एक अलग उनका नजरिया है। और शिवसेना अपने आप में महाराष्ट्र में जो है वो भाजपा को चुनौती दे रही है, तो तुरंत उसने बयान भी दिया। इसी तरह से बंगाल में अगर ममता बनर्जी बयान दे रही तो उसके अपने मायने होते हैं कि वो वहां पर दिखा रही है कि हम बीजेपी को जो है क्लेम कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है। इस समय उसके टारगेट पे भाजपा से ज्यादा कांग्रेस है, वो ये दिखा रहे हैं कि मैं कांग्रेस को रिप्लेस कर सकता हूं देश भर में। तो ये नैरेटिव सेट करने वाली बात होती है जी। बाकी इस तरह का बाकी कुछ भी नहीं है कि वो भारत रत्न देना चाहिए। ये उठता है मनीष जी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के लिए क्यों कहा गया, कांग्रेस के लिए क्यों नहीं कहा गया, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों नहीं कहा गया, केवल दो ही पार्टियों को निशाना बनाते उन्होंने क्यों कहा कि इनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। देखिए इसका तो सीधे सीधे आप देखिए, अमित शाह जो है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने ऐन चुनाव के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की कि वो जो मायावती जी हैं वो बड़ा अच्छा, मतलब बहुत बड़ी नेता है और उनका जमीनी आधार अभी बना हुआ है। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि मायावती चुनाव मैदान में है, वो लड़ रही है और कहीं भी मैदान से बाहर नहीं हुई है। तो ये चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के समर्थन में जिस तरह के बयानबाजी होते हैं ये बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जितना भी मुस्लिम वोट था वो बसपा की जगह सपा में चला गया जी। पर मनीष जी, और जो जी मेरा कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी कल सुप्रीमो का वो पेशी थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने सारी हार का ठीकरा मनुवारी मीडिया पे बोला है। उन्होंने कहा है मीडिया ने ही ये बता दिया था कि चुनाव सपा वर्सेज भाजपा के बीच में है, उसी कारण बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया था। पर आपका कहीं मानना यह है कि जिस तरह से अभी हाल में ही हम देख रहे थे कि सक्रियता, अगर सक्रियता की बात करें तो जो जन संबंधी मुद्दे को लेके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी मैदान में रही हो, आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जो जन संबंधी मुद्दे हैं तमाम जो बड़े आंदोलन किए हैं वो समाजवादी पार्टी ने किए हैं और आम आदमी पार्टी ने किए, विपक्ष के रूप में भूमिका निभाई है, कांग्रेस ने भी किए हैं, पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी सबसे पीछे रही है। तो क्या मानते हैं यही हार की मुख्य वजह रही कि फील्ड में नहीं उतर पाए बिल्कुल? देखिए मायावती ने जो बयान दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। आप ये समझिए जो काडर वोट था, जो जाटव वोट था, वो मायावती से छिटका है, जिसके लिए मायावती का मतलब सीधे सीधे भगवान है, वो मायावती के अलावा किसी को वोट ही नहीं करता था। और वो अगर छिटका है तो इसका मतलब मनुवादी मीडिया, जो मायावती की जो पुरानी राजनीति थी मनुवाद के खिलाफ, तिलक तराजू और तलवार, तो वो राजनीति पे फिर से वो बैकफुट पे आने की कोशिश कर रही है कि जो पुराना वोट है कम कम उसको तो बचाया जाए। और सक्रियता तो मायावती की 2007 के बाद से ही कम हो गई थी, जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद में उन्होंने जिस तरह का एक अपना एक बनाया, अनुशासनात्मक कहें चाहे जो भी बनाया, कि उनके अलावा कोई नेता नहीं था, सतीश चंद्र मिश्रा को अगर हटा दिया जाए, बाकी जो मायावती अपने कार्यालय से लोगों को संदेश देती थी, कभी बहुत ज्यादा फील्ड में नहीं निकलती थी, तो 2017 में भी वो हमें दिखा, 2022 में भी वो चीज दिख रही, उसमें कोई नई चीज नहीं। मनीष जी उनको ये विश्वास जी, मेरा सोचना यह है कि जिस तरह से जब चुनाव की आहट शुरू हुई थी और दिसंबर से अगर हम उसकी बात करें, सम्मेलनों की बात करें, तो सबसे पहले जो है जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो गए, अलग समाज के सम्मेलन हो गए, ये बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किए, और जो उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने लगभग लगभग 70 जिलों में जाकर इस तरह सम्मेलन किए। तो सम्मेलनों की शुरुआत तो बहुजन समाज पार्टी ने की, पर क्या लगता है कि चुनाव के समय आते आते बिल्कुल धीमे हो गए? देखिए ये जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो एक नारा था बसपा का, वो उनको लगा कि इस बार जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण, जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ब्राह्मण नाराज है, तो सतीश चंद मिश्रा पुराना उस ब्राह्मण वोट बैंक को वापस पार्टी में लाने के लिए उन्होंने अयोध्या से ही, बल्कि कहा जाए तो अयोध्या से ही उन्होंने सम्मेलनों, प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत की, और सतीश चंद मिश्रा ही मेन चेहरा बनी। आप ये देखिए अंत में आते आते ये हो गया कि मायावती ने चुनाव
प्रचार की कमान भी सतीश चंद्र मिश्रा को दे दी और बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की, 20-25 रैलियां की होंगी बहुत ज्यादा पूरे चुनाव भर में अगर देखा जाए। तो मायावती को लगा कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है वो तो स्थिर है, उसके बाद में ब्राह्मण वोट बैंक सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए मिलेगा और बाकी मुस्लिम वोट जो उन्होंने खड़े किए थे सबसे ज्यादा प्रदेश भर में मुस्लिम प्रत्याशी, तो इनका ये समीकरण काम आएगा। लेकिन जनता जो मोदी विरोधी जनता थी, योगी विरोधी जनता थी, उसने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर जो भी हराने वाला होगा उसी को देंगे। यानी अखिलेश यादव जिस तरह से जमीनी पर जमीनी राजनीति कर रहे थे, लगातार उनके साथ भीड़ जुड़ती जा रही थी, तो उसके बाद में मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में जुड़ता चला गया और 1% भी इधर उधर नहीं हुआ, पूरा पूरा जो है अखिलेश यादव को गया। और बाकी जो वोट था ब्राह्मण वोट, तो वो भाजपा का बिल्कुल, आप चाहें जो भी नैरेटिव सेट करें कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है, जो सवर्ण मतदाता है बनिया ब्राह्मण ठाकुर, ये कमोवेश कांग्रेस के बाद में भाजपा को ही जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इमरान जी क्या मानते हैं कि जिस तरह से जनता ने आपको पंजाब में बैठाया है और आप उत्तर प्रदेश में, आपको हालांकि सीट नहीं मिली पर आपको कहना है वोट बैंक तो बड़ा है, क्योंकि जहां जहां आप लड़े हैं तो वहां वहां जितना भी वोट आपको मिला है तो निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी का प्रशंसक है, वो आपका जनाधार है। अब किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे भविष्य में आपको लड़ना है, कि 24 का चुनाव भी आने वाला है, किस तरह से रणनीति रहने वाली है और किस तरह से आम जनता के बीच अपनी पैठ बनाएंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के रूप में विकल्प के रूप में जनता के बीच आ रही है, क्या मानते हैं? देखिए गौरव जी, जहां तक बात पंजाब में, लोगों ने हमको अच्छी सीटें दी, पंजाब के वोटर्स ने अच्छा वोट दिया, अच्छा सपोर्ट किया, सहयोग किया, प्यार दिया, स्नेह दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको वोट उस तरीके से नहीं दिया जिसकी अपेक्षा थी, लेकिन प्यार बहुत मिला है, सम्मान बहुत मिला है। जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता गए, हमारे प्रत्याशी गए, हमारे नेता गए, वहाँ पे एक बात ज़रूर हुई कि आपने दिल्ली में बेहतर काम किया है, आप अच्छी राजनीति कर रहे हैं, आप साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, आने वाला समय आपका है। तो पूरी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश से भी और बाकी प्रदेशों से भी। जहाँ तक बात तैयारियों की है, अभी उस तरीके से हम लोग अपना संगठन नहीं बना पाए थे जैसा संगठन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। निश्चित रूप से अब जो पंजाब का परिणाम आया है, जो गोवा से जो उम्मीद जगी है, उत्तर प्रदेश में हम गांव-गांव तक गए हैं, गांव-गांव तक अरविंद केजरीवाल जी का नाम पहुंचा है, उनका काम पहुंचा है, उनकी चर्चाएँ पहुँची हैं, पार्टी का विज़न पहुँचा है, तो अब उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब हमको संगठन बनाने में बड़ी आसानी होगी। अब हमारी जो पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा करना, जितने भी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे आएंगे उस पर मजबूती से स्टैंड लेना, एक विपक्ष के तौर पर एक मजबूत सकारात्मक सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहना लगातार। तो इस संगठन निर्माण के जरिए, अपनी विपक्ष की भूमिका के जरिए लगातार हम सड़कों को गर्म करके रखेंगे, किसी भी मुद्दे को हम खाली नहीं जाने देंगे और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आम आदमी पार्टी का, ये जनता भी कह रही है, और जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरने का काम करेंगे विपक्ष के रूप में। इमरान जी, आप ये बात मानते हैं कि पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के आसपास ही घूमता रहा, केजरीवाल जी एक बार आए, उन्होंने रैली की, पर कहीं ना कहीं और बड़े चेहरे जो को जिनको उठाना चाहिए था, पूरा चुनाव में देख रहा था पूरा चुनाव केंद्रित था संजय सिंह के ऊपर, संजय सिंह जहाँ जा रहा है वही रैली कर रहा है, वही से बोल रहा है, कुछ ऐसे नाम और नहीं बढ़ने चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश को संभाल के बड़ा प्रदेश है भाई? निश्चित रूप से अब हम इस पर काम करेंगे, उत्तर प्रदेश से लीडरशिप निकालने का काम किया जाएगा, लगातार हमने किया भी है। लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं आते हैं, जब तक आपको कोई मंत्री का पद नहीं मिलता है, कोई इस तरह का जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तब तक शायद यहाँ नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात थी, तो पंजाब हमारी पहली प्राथमिकता था और आज वो सामने है कि क्यों पहली प्राथमिकता पर पंजाब था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मनीष सिसोदिया जी ने पर्याप्त समय दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने 3-4 रैलियाँ करी, अरविंद जी की पहली प्राथमिकता और पार्टी की पहली प्राथमिकता पंजाब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप तैयार करेंगे, अब हमारे पास पंजाब में बड़े नेताओं की खेप होगी, दिल्ली में हमारे पास नेताओं की खेप है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मजबूती के लिए। और कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी का काम है दिल्ली का, उसमें अब पंजाब का काम भी जुड़ने जा रहा है। अब हम पंजाब का जो मॉडल हम डेवलप करेंगे, दिल्ली का जो मॉडल हमने डेवलप किया है, उन दोनों कामों को लेकर हम अब उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी सफलता। अभी हमारे साथी पत्रकार मनीष शुक्ला जी ने कहा है कि पंजाब में हमारी पार्टी ने वहीं के रणबांकुरे को वहां उतारा और जनता के भी संदेश गया कि इन्होंने यहीं के लोगों को बुलाया है और यहीं के लोग लड़ाया है और यहीं के चेहरे को दिया है, और वो हुआ भी, उसका लाभ भी मिला।
पर कहीं ना कहीं ये मैं नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में ही आपको इस तरह के नेता तैयार करने पड़ेंगे। आप बहुत कुछ कि अपने दिल्ली के नेताओं पे या अन्य राज्यों के नेताओं पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, आपको उत्तर प्रदेश में ही यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को आप तैयार करना पड़ेगा, क्या मानते? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और नेता तैयार हो रहे हैं, नेताओं की लंबी खेप तैयार हो रही है, और इस आने वाले 5 साल का जो पूरा टेन्योर होगा उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में किस तरह के जाबाज नेता हैं। और जहाँ तक बात हमारे जो हम जो जो उत्तर प्रदेश को लीड करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के ही लाल हैं, संजय सिंघी राज्यसभा सांसद हैं, तो वो पूरी तरीके से खाटी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और आज उनके लिए बड़ा अजीब प्रेम है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में। भले ही जनता ने हमें वोट नहीं किया, लेकिन जब हम गांव गांव गली गली गए तो लोगों ने कहा कि ये आवाज जो है सदन के अंदर संजय सिंह किस तरीके से उठाते हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय, और लोग चाहते हैं कि संजय सिंह के रूप में एक नेता उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। उनको अब ये लगने लगा है कि संजय सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। संजय सिंह के अंदर वो कुवत है कि वो योगी आदित्यनाथ से टकरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से टकरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक नेता हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए जो पहला नेता है वो हमने उत्तर प्रदेश में दे दिया। अब अगली फौज भी तैयार हो जाएगी। विवेक जी, आखिरी कम शब्दों में जवाब देना आपको, ये बताइए कि अब सरकार बनाने जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार बनाई जाएगी, और अब समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में सामने है, क्या रणनीति रहेगी, कम शब्दों में बताएं। देखिए गौरव जी, जनता जनार्दन ने जो हमें आशीर्वाद दिया है वो जिम्मेदारी है हमारी। हमने जो संकल्प पत्र जनता के सामने पेश किया था उन संकल्प पत्रों पर हम आगे काम करें जी। और अखिलेश यादव जी के लिए भी हमारी शुभकामना है कि आए विपक्ष में, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, सत्ता पक्ष से कहीं कोई कमी होती तो सदन में आए, चर्चा में शामिल हों, और अच्छे से सरकार चले, प्रदेश विकास के पथ पे चले, सब लोग आए मिलकर के प्रदेश बनाएं, यही हमारी निवेदन। तो आज की वीकेंड चर्चा में हमने निष्कर्ष देखा कि कुल मिला के जो इस बार का चुनाव रहा है वो कहीं ना कहीं एक निराशा भी है तो कहीं एक खुशी भी है। खुशी की अगर बात करें तो हमारी पार्टी को पंजाब में जीत मिली, और हमारी पार्टी को एक बल भी मिला है कि आने वाले भविष्य में वो कांग्रेस पार्टी के बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकती है, जैसा कि उन्होंने प्रवक्ता ने कहा है। वही विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि हम जो एजेंडा लेके आए थे उस एजेंडे पे काम करेंगे, और जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच जारी किया था उस संकल्प पत्र के साथ ही जनता को सारी उम्मीदों को पूरा करते नजर आएंगे। अब फिलहाल इस चुनाव की धमक हिमाचल प्रदेश में कहाँ तक पहुँचती है, गुजरात में कहाँ तक पहुँचती है, और अगले साल 2023 में यानी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें चुनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहेगा क्या प्रभाव डालेगा, ये फिर वक्त बताएगा। पर ये बात तो साफ है कि ये जो उत्तर प्रदेश चुनाव है, इस चुनाव के माध्यम से एक बार स्पष्ट हो जाती है कि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ा फैसला लेती है, और वो जिसको चुनती है, जिसका उसको मन होता है, इसके ऊपर किसी एजेंडे का, मुफ्त की राजनीति का या कई अन्य बातों का एजेंडे का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगली बार किसी नए मुद्दे पर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।